हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं है सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। उसका मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें एक प्रॉब्लम समझाने वाला हूं जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स इंग्लिश में और हिंदी में, उसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। लिखा हुआ फ्रेंड्स अब पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जिसके हमें प्रोजेक्शन बनाना है, इज 30 mm अबव द एचपी और उसकी पोजीशन दी है फ्रेंड्स कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे 30 mm ऊपर है। इसके अलावा दिया है फ्रेंड्स कि 50 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी और जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके सामने कितना है 50 mm है और हमें ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डाटा गिवन है वो मैंने लिख लिया, लेकिन याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि जिस क्रम में डाटा दिया है उसी क्रम में हमें लिखना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं 30 mm अबव द एचपी सबसे पहले दिया हुआ है, तो मैंने उसको सबसे पहले लिख लिया अबव द एचपी कितना है 30 mm। इसके बाद दिया 50 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी, तो मैंने सेकंड नंबर पर लिख लिया इन फ्रंट ऑफ द बीपी कितना है 50 mm। तो इस तरह जिस क्रम में डाटा दिया है उसी क्रम में लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें करना है एक रेफरेंस लाइन या एक्सिस लाइन होती है उसको ड्रॉ करना है, लेकिन याद रखें उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरह ड्रॉ करते हैं वह मैं बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको दिख रही हुई मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली जिसे रेफरेंस एक्सिस भी बोलते हैं, यह हम एक्स वाई लाइन के नाम से जानते हैं। इस लाइन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग जितना बनाना चाहते उतना बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन लाइट बनाना है। यहां पर दिख रहा है फ्रेंड्स एक साइड एक्स लिख लेना है और एक साइड वाई लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। लाइट के लिए हम जो कलर यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेंड्स वो है ब्लैक कलर यूज करेंगे। ब्लैक कलर के लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स 2H या 3H, कौन सी पेंसिल 2H या 3H। तो ब्लैक कलर जहां पर भी हम यूज करेंगे फ्रेंड्स ड्राइंग के अंदर, वहां पर समझना है आपको कि हमें लाइट बनाना है। और मीडियम कलर यूज करना फ्रेंड्स, जो ना ज्यादा लाइट हो ना ज्यादा डार्क हो, उसके लिए हम रेड कलर यूज करेंगे। तो रेड कलर का मतलब होगा फ्रेंड्स जो भी हम रिटर्न वर्क करेंगे उसको हम रेड कलर से यूज करेंगे। रेड कलर के लिए हमें एक मीडियम पेंसिल यूज कर ले, ना ही ज्यादा डार्क हो ना ही ज्यादा लाइट हो। और जो हम ग्रीन कलर यूज करेंगे फ्रेंड्स, वहां पर आपको डार्क कलर यूज करना, मतलब जो भी पेंसिल होती है, जैसे कि डार्क के लिए हम एचबी यूज करते हैं या फिर एच यूज करते हैं, लेकिन एचबी का यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि वह फैलती है या हमारी शीट को काला कर देती है, तो उसके लिए हम एच यूज करेंगे। डार्क के लिए कौन सी पेंसिल यूज करेंगे एच। तो फ्रेंड्स जब भी हम ग्रीन कलर यूज करें तो वहां समझ लेना हमें एच पेंसिल यूज करना, जहां पर हम ब्लैक कलर यूज करने वहां पर समझ लेना हमें 3H या 2H पेंसिल का यूज करना। और जो जो जिस भी आप पेंसिल से हमें रिटर्न वर्क करना है, जो हम राइटिंग वर्क बोलते हैं इसको, उसके लिए हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको 2H भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो भी आगे का पोर्शन है। तो याद रखते हमें अब दिमाग लगाना है यहां पर जो भी डाटा गिवन रहता उसमें उस पर, क्योंकि हम निकालते हैं यहां पर एंगल की पोजिशन, तो किस एंगल में यह ड्राइंग करना है हमें उसके लिए जो डाटा गिवन है उसको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि पोजीशन लिखी है अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी, तो ये जो पोजीशन दी है पॉइंट की, इस पोजीशन से हम निकालते हैं कि किस एंगल में इस ड्राइंग को बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक चार्ट समझा रहा हूं, उस चार्ट को आप समझ लें। तो फ्रेंड्स ये चार्ट बनाया हुआ मैंने, इस यह आपको पढ़ने में आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स हम इसको एक एक पॉइंट इसके समझाने वाला हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो फ्रेंड्स ये पहला जो लाइन दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसको हम वर्टिकल प्लेन के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बीपी। और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एचपी, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये दोनों लाइनों को एक दूसरे से उसके सेंटर से इंटरसेक्ट करा देते हैं तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाती है। चारों भागों को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन फ्रेंड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इसको एंगल के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिख देंगे फर्स्ट एंगल जो कि स्टार्टिंग होती है, इसको सेकंड एंगल, इसको थर्ड एंगल, इसको फोर्थ एंगल। इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब जो वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड्स, उसकी दो पोजीशन होती है, किसी पॉइंट की वर्टिकल प्लेन के अनुसार दो पोजीशन होती है, एक होती है इन फ्रंट और दूसरी होती है बिहाइंड, मतलब बीपी के सामने और बीपी के पीछे। इसी तरह फ्रेंड्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसकी भी दो पोजीशन बनती है, एक होती है अबव द एचपी, दूसरी होती बिलो द एचपी, मतलब एचपी के ऊपर और एचपी के नीचे। तो फ्रेंड्स ये दो दो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं पॉइंट की पोजीशन। तो जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन क्या बनती है,
तो इसकी पोजीशन बनती है इन फ्रंट ऑफ द बीपी और एब ऑफ द एचपी। मतलब अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है इन फ्रंट ऑफ द बीपी और एब ऑफ द एचपी, तो हम उस पॉइंट को समझेंगे वह फर्स्ट एंगल में है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह बिहाइंड द बीपी दिया हुआ है और एब ऑफ द एचपी दिया हुआ है, तो उसको हम समझेंगे फ्रेंड सेकेंड एंगल में। इसी तरह बिलो द एचपी और बिहाइंड द बीपी दिया हुआ है, तो उसको हम समझेंगे थर्ड एंगल में। इस तरह फ्रेंड्स बिलो द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया हुआ है, तो उसको हम समझेंगे फोर्थ एंगल में। ये आपको एंगल सिस्टम समझना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ, एबव द एचपी, एबव कहां पर है, यहां पर है फ्रेंड्स। इन फ्रंट ऑफ द बीपी कहां पर है, यहां पर है। तो ये फर्स्ट एंगल की प्रोजेक्शन है। कौन सी, फर्स्ट एंगल की, मतलब फर्स्ट एंगल में हमें प्रोजेक्शन बनाना है। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है ये रेफरेंस लाइन का पॉइंट होता है। दोनों लाइनों का जो वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उन दोनों जहां जिस पॉइंट पर मिलती है 90 डिग्री पर, वहां पर क्या होती है रेफरेंस लाइन, जो ए वाली रेफरेंस लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अनुसार देखते हैं हम कि जो हमारा बीपी और एचपी कहां पर ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स जो बीपी है कहां पर है, रेफरेंस लाइन ये इस पॉइंट के ऊपर है, तो इसको हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे फर्स्ट एंगल के अंदर, मतलब हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे एक्स वाई लाइन के ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स ये जो एचपी दिख रही है फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, यह कहां है, इसकी जो पोजीशन हॉरिजॉन्टल और जो हमारी एक्स वाई लाइन है इसकी पोजीशन, दोनों की सेम पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसको हमेशा हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, तो फ्रेंड्स उसकी और इसकी सेम पोजीशन है, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलेप करती है। क्या करती है, ओवरलेप करती है, जबकि वर्टिकल प्लेन हमारा वर्टिकल पोजीशन में तो ओवरलेप नहीं करता, इसके ऊपर आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारी रहती है फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की, वह क्या एक दूसरे पे ओवरलेप करती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कराते हैं। तो इसको हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कराएंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जब आ जाएगी तो फ्रेंड्स हम आसानी से इसको ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बीपी ऊपर हो जाता है और एचपी कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या, बीपी ऊपर लिखना है और नीचे नीचे क्या लिखना है, एचपी लिखना। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि क्यों लिखते हैं। तो फर्स्ट एंगल में हम क्या लिखते हैं, बीपी ऊपर और एचपी नीचे। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, बीपी ऊपर लिख लिया, एचपी नीचे कर लिया। अब हम जो भी पॉइंट की पोजीशन है उसको ड्रॉ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ड्रॉ करते हैं उसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें। जब भी एबव द एचपी दिया, क्या दिया फ्रेंड्स, एबव द एचपी दिया हुआ हो या बिलो द एचपी दिया हुआ, क्या एबव द एचपी और बिलो द एचपी दिया हुआ हो फ्रेंड्स क्वेश्चन में, तो हम उस पॉइंट को हमेशा कहां पर बनाएंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर बनाएंगे, मतलब बीपी जहां पर लिखा हुआ है उसके अंदर बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब भी इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया हुआ या फिर बिहाइंड द बीपी दिया हो, क्या इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी, तो हमेशा उस पॉइंट की पोजीशन को हम कहां पर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे। कहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, किसी भी एंगल में फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखें अबव द एचपी बिलो द एचपी कहां पर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर। इन फ्रंट ऑफ द बीपी बिहाइंड द बीपी, जो भी पॉइंट की पोजीशन है उसको ड्रॉ कहां करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आएगा। अभी क्यों करते हैं इसको मैं इसी क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहां पर देखा जो पहली पोजीशन दी है, जिस क्रम में दी है उसी क्रम में ड्रॉ करें। एबव द एचपी दिया हुआ फ्रेंड्स कितना, 30 mm, जैसा कि मैंने बताया एबव या बिलो दिया हुआ तो उसकी पोजीशन कहां पर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो मैंने जो वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर इसकी जो एक कितनी हमने बताया, जैसे ब्लैक कलर में कौन सी लाइट पेंसिल यूज करना है, उस लाइट पेंसिल से एक प्रोजेक्शन लाइन डाल लेना, कितनी ऊपर फ्रेंड्स, 30 mm ऊपर। ठीक है, 30 mm मतलब 3 cm, और हमें एक पॉइंट बना देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉइंट के हम प्रोजेक्शन यहाँ पर बना रहे हैं, एक पॉइंट बना देना। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन देंगे और पॉइंट का नाम देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायमेंशन दी, कितनी दी, जितनी यहाँ पर गिवन हो, या इस पॉइंट के सेंटर से हमें एक एक्सटेंशन लाइन बनाना है फ्रेंड्स, उस ये दोनों एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, और एरो जरूर बनाना है फ्रेंड्स जो कि एंड पोजिशन को शो कराते हैं। उसके सेंटर में हमें क्या लिख लेना, जो भी डायमेंशन, जैसे कि 30 mm दिया मैंने, 30 mm लिख लिया, और जिस पॉइंट के हमें प्रोजेक्शन, जैसे कि पी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी पी बनाएंगे, लेकिन हम डैश देंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के अंदर जैसा कि मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, हमेशा डैश से शो कराते हैं, डैश से शो कराते फ्रेंड्स, क्योंकि डैश शो कराता है किसको, फ्रंट व्यू को। क्योंकि फ्रेंड्स वर्टिकल प्लेन के अंदर हम हमेशा जो भी प्रोजेक्शन हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। और जिसको हम, जो भी पॉइंट है उसको हम डैश से शो कराते हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर, इतना याद रखना है।
और याद रखें ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, जरूरी नहीं यहाँ पर, आप इस एक्स वाई लाइन पे कहीं पर भी बना सकते हैं, इसकी कोई भी फिक्स नहीं है। आप यहाँ पर भी बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे, कहीं भी बना सकते, मैंने यहाँ पर बना लिया। तो ये हो गया हमारा अबव द एचपी करेक्ट पोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन फ्रंट ऑफ द बीपी उसकी भी पोजिशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहां पर दिख रहा है जो एक्स वाई लाइन है, जो इन फ्रंट ऑफ द बीपी दिया हुआ कितना 50 mm, हमने बताया था इन फ्रंट ऑफ द बीपी या फिर बिहाइंड द बीपी दिया हुआ, तो उसकी पोजिशन कहां पर ड्रॉ करेंगे, एचपी के अंदर। तो मैंने क्या किया, एचपी के अंदर ड्रॉ कर लिया कितना 50 mm। तो ये जो रेफरेंस लाइन है उससे 50 mm नीचे को एक पॉइंट बना दिया फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखें ये जो पॉइंट बनाया फ्रेंड्स, इसको सिर्फ जो ग्रीन कलर दिख रहा है इसको डार्क करना हो, यहाँ पर इसको डार्क करना। ग्रीन कलर मतलब हम फ्रेंड्स एच पेंसिल यूज करेंगे मैक्सिमम, जिसको थोड़ा सा प्रेशर देके बनाएंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो फैलती नहीं है। ठीक है, और याद रखें दूसरी चीज फ्रेंड्स कि जो एक ही लाइन होनी चाहिए एक दूसरे के, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोजेक्शन है इसलिए इनकी जो लाइन होनी चाहिए वो एक ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर देखें, ये इसकी पोजिशन और इसकी पोजिशन एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे। तो फ्रेंड जो भी डायमेंशन दी उसको मैंने यहां पर लिख लिया, जैसा कि मैंने बताया एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, एक्सटेंशन लाइन को जिस भी पॉइंट की डायमेंशन दे रहा है उससे टच नहीं कराते, थोड़ा सा गैप देते हैं, और हमें एरो के एरो भी बनाना है जो कि एंड पोजिशन को शो करा रहे हैं फ्रेंड्स, और हमने 50 mm दे दिया। अब यहां पर क्या दिया था, जो भी पॉइंट है उसकी पोजीशन डैश में दी थी, तो यहां पर जो एचपी है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अंदर हमें विदाउट डैश वाली देते हैं, जो क्या शो करा था फ्रेंड्स टॉप व्यू को। तो यहाँ पर जो एचपी में मिला ये क्या है टॉप व्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है फ्रंट व्यू। अब हम जो कंसेप्ट बताने वाले थे उसको आपको थोड़ा सा समय देना है और देखना है 2 मिनट और। हम बताने वाले थे फ्रेंड्स कि जो हमारी अबव द एचपी पोजीशन है और कौन सी बिलो द एचपी, उसको हमेशा वर्टिकल प्लेन में क्यों ड्रॉ करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पोजिशन है फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके अंदर हमेशा हम कौन सी ड्रॉ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी। तो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले फ्रेंड्स हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम ये जो फर्स्ट एंगल है इसको हम ले लेते हैं। कैसा उठा लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह का और इस तरह का सीधा यहां से उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो भी यहां पर फर्स्ट एंगल की पोजीशन है उसको यहां पर बना लिया है, और जिस भी जो भी पॉइंट की पोजिशन दी उसको लिख लिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अबव द एचपी दिया है 30 mm, तो जो एचपी होता है उससे 30 mm ऊपर बना लिया, इन फ्रंट ऑफ द बीपी कितना दिया 50 mm, तो बीपी के सामने हमने 50 mm पोजिशन पॉइंट की बना ली। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसको देखना आना चाहिए। देखने का तरीका होता है फ्रेंड्स, जब हम ऊपर से देखते हैं तो जो भी हमें हमें प्रोजेक्शन मिलेगा उसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं टॉप व्यू, और जब हम सामने से देखेंगे तो हमें जो भी प्रोजेक्शन मिलेगा फ्रेंड्स उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। तो हमें ये बात याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम याद रखें जो हमारा प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है, हम जिस भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाते हैं उसके परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे ये पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर जब हम इधर को ड्रॉ करेंगे तो जो कहां पर मिलेंगे, वर्टिकल प्लेन के ऊपर मिलेंगे। तो वहां पर भी जो भी हमें पॉइंट मिलेगा उसको हम इसी पॉइंट के समान कर लेंगे, और वो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। अब वर्टिकल प्लेन पर मिलेगा फ्रेंड्स तो होगा हमारा फ्रंट व्यू। इसी तरह इस पर जब हम ऊपर से देखेंगे तो इस पर डायरेक्ट हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन डालेंगे तो कहां पर मिलेगा, अबव द एचपी पर। तो यहां पर जो भी प्रोजेक्शन मिलेगा वो उसको क्या बोलेंगे, टॉप व्यू। तो इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने एरो से बता दिया कि ऊपर से देख रहा है तो यहां पर क्या मिला मुझे, टॉप व्यू। ठीक है, और यहां से देख रहा है सामने से तो यहां पर वर्टिकल प्लेन पे क्या मिल गया फ्रेंड्स, हमें फ्रंट व्यू। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, जो हमारी ये रेफरेंस लाइन होती है, कहां दोनों प्लेनों की इंटरसेक्शन लाइन होती है वहां पर क्या होती है, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से ये कितनी दूरी पर हमें क्या मिला, फ्रंट व्यू मिला, जबकि इस रेफरेंस लाइन से जो टॉप व्यू मिला हुआ है कितनी दूरी पर मिला। तो यहां से ध्यान से देखें, ये जो रेफरेंस लाइन है यहां से यहां तक की दूरी फ्रेंड्स कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, जो ए लाइन है क्योंकि इसकी पोजीशन इसके पैरेलल है, इस पॉइंट के पैरेलल ए बी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इसकी दूरी यहां से जितनी दूरी ये दी है उतनी दूरी इस रेफरेंस लाइन से यहां तक की होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 30 mm। जबकि ये जो हमारा टॉप व्यू है फ्रेंड्स, उसकी जो रेफरेंस लाइन से पोजिशन होगी यहां से यहां तक की उतनी दूरी कितनी होगी, जितनी दूरी इस पॉइंट की। तो इसके पैरेलल ही फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो फ्रेंड्स इतनी ही दूरी 50 mm इस रेफरेंस लाइन से यहां तक की हो जाती। तो उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं फ्रंट व्यू की दूरी को ड्रॉ कर लिया, यहां पर 30 mm लिखा हुआ है, और जो टॉप व्यू की दूरी को यहां पर बना लिया 50 mm। कैसी दूरी को बनाया, मैंने बताया ये जितनी दूरी होती है उसी के पैरेलल ए है, तो उतनी दूरी ये होगी, इतनी दूरी जी होगी इस पॉइंट की पोजीशन, उतनी दूरी ये होगी। लेकिन आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या देख रहे हैं कि ये जो दूरी है किसकी, फ्रंट व्यू की,
वह किसके बराबर है जो एबव द एचपी पोजिशन दी है, एबव द एचपी जो पोजिशन दी है वह कितनी है 30 mm, किसकी, फ्रंट व्यू की। तो याद रखें यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया था, बीपी के अंदर कितना ड्रॉ किया मैंने 30 mm, यहां पर भी हमने 30 mm ड्रॉ किया हुआ है। एक आपको समझ में आया होगा कि 30 mm यहां पर क्यों ड्रॉ किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं 50 mm की बात, ये नीचे क्यों ड्रॉ किया उसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो हमारी जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक्स वाई लाइन है एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इसलिए हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करा देते हैं। तो इसको जब मूव कराएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो क्या पोजिशन बनती है मैं वो अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने एरो बनाया कि ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूव हो रहा, तो ये जो पोजिशन थी ये पूरी उठ के कहां जाएगी, यहाँ 90 डिग्री पर नीचे की ओर आएगी, मतलब बीपी के जस्ट नीचे आएगी। याद रखें ये जो पोजिशन था इसी को उठाकर मैंने कहां बना दिया, नीचे बना दिया, मतलब ये जो टॉप व्यू था वह उठ के कहां गया 90 डिग्री नीचे आ गया, यहां पर बन गया। ये जो पोजिशन थी 50 mm वह भी उठ के कहां आ गई, यहां पर नीचे आ गई यहां पर, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन है यहां पर, उससे ऊपर कितना हो गया 30 mm हो गया और नीचे कितना हो गया फ्रेंड्स 50 mm हो गए। तो यही मैंने देखेंगे आप क्वेश्चन का जो आंसर था उसमें ड्रॉ किया हुआ देख रहा है, जो एचपी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था उसके अंदर जो टॉप व्यू मिला उसकी कितनी दूरी पर मिला 50 mm की, जबकि जो फ्रंट व्यू फ्रेंड्स मिला हुआ है वह कितनी ऊपर दूरी पर मिला 30 mm, वह मैंने बनाया हुआ देखेंगे। बीपी जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे क्या है एचपी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये जो आंसर है किस तरह निकलता है, ये जो मैंने ड्रॉ किया वह आपको समझ में आ गया होगा सारे कंसेप्ट। हमें सिर्फ इतना आंसर ड्रॉ करना फ्रेंड्स यहां पर दिख रहा है, ये सिर्फ हमें समझाया है मैंने कि क्यों हम जो हमारी एबव द एचपी पोजिशन है और बिलो द एचपी पोजिशन है उसको हम क्यों वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं, और इन फ्रंट ऑफ द बीपी और बिहाइंड द बीपी की पोजीशन को क्यों हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ करके सिखाया फ्रेंड्स कि किस तरह मैं इसको बनाता गया और जो सेम पोजीशन हमें यहाँ पर मिल गई। तो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू फ्रेंड्स।